सुबह सुबह उठ के हम लोग तैयार हो जाते हैं, नहाते धोते नहीं है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं जॉयल इन रिसोर्ट, वहाँ पे ही जाके नहाया जाएगा। तो फिर 20 को लेके जाओ, वो लेके जाओ, वही हो लेके जाओ, तो मेरे को दोनों किधर है। हम लोग तैयार होके लिफ्ट पकड़ लेते हैं और नीचे उतर पड़ते हैं। शुभम रिसोर्ट जाने के लिए तैयार हो गए हैं ना? शुभम जॉयल इन रिसोर्ट जाने के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं। मस्त रिसोर्ट जाने से पहले रास्ते में कबूतरों को दाना भी डालना जरूरी है, सोम रोज डालता है। इसके लिए पहले पहुंच जाते हैं कबूतर खाना, वहां से कबूतरों को दाना डालने के बाद हम लोग तुरंत ही निकल पड़ते हैं रिसोर्ट जाने के लिए मलाड स्टेशन। अपनी गाड़ी को एक सेफ जगह पे लगा देता हूँ ताकि आने के बाद मुझे मिल सके, और गाड़ी को सेफ जगह पे लगाने के बाद मलाड स्टेशन के लिए हम दोनों लोग निकल पड़ते हैं और बाकी लोग मलाड स्टेशन पे ही मिलेंगे। मलाड स्टेशन पहुँच जाते हैं हम लोग ये पहुँच चुके हैं मलाड, और उधर वो है ईस्ट वेस्ट, वो उधर से ट्रेन पकड़ेंगे और चलेंगे। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है जॉयल इन रिसोर्ट जाने का, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने वो रिसोर्ट नहीं देखा है, तो उसे देखने की बहुत ज़्यादा खुशी है। तो कैसे भी करके हमको वहाँ पे पहुँचना है और जल्दी पहुँच जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्रिज के ऊपर से ये पूरे मलाड का नज़ारा है जो कि इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है मैं कहीं बाहर गाँव में आ चुका हूँ। फिलहाल चलो चलते हैं टिकट काउंटर पर टिकट निकालने के लिए, और टिकट निकालने के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। सभी लोग प्लेटफॉर्म नंबर एक पे मिलेंगे मलाड की। फाइनली टिकट भी निकल चुका, अब चलो चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। मलाड स्टेशन आने के बाद प्लेटफॉर्म पे इतना भीड़ देखने के बाद ऐसे लग रहा है बहुत कुछ समस्या है। ये रुक रहा क्यों नहीं है, रुक रहा किधर है? दोस्तों कोई भी ट्रेन मलाड स्टेशन पे नहीं रुक रहा है, तो रुक रहा बोरीवली प्लेटफॉर्म पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसके लिए नहीं रुक रहा है। ये काफ़ी 2 घंटे तक ट्रेन का वेट करने के बाद देखिए पब्लिक जमा होगी, इसलिए हम लोग बाहर निकलते हैं और वहाँ से ऑटो पकड़ लेते हैं बोरीवली के लिए। हम लोग ज़्यादा लोग हैं तो 2 ऑटो करना पड़ता है, और हम 3 लोग एक ऑटो में बैठ जाते हैं और बोरीवली के लिए रवाना हो जाते हैं। इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से होते हुए पूरे आधे घंटे का सफ़र तय करने के बाद फाइनली हम सभी लोग बोरीवली के बहुत ही करीब आ जाते हैं और कुछ ही मिनट में बोरीवली पहुंच भी जाते हैं। बोरीवली उतरने के बाद सभी लोग इकट्ठे एक जगह पर खड़े हो जाते हैं और वहां शुभम को लगती है प्यास, इसीलिए सभी लोग मिलके एक पेप्सी का बॉटल लेते हैं, उसे पीने के बाद बाकी लोगों का इंतज़ार करने लगते हैं। सभी लोग के आने के बाद हम लोग बोरीवली स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां पे फटाफट ट्रेन भी आ जाती है, उसे पकड़ लेते हैं। ट्रेन में काफ़ी भीड़ है। हाँ चलो चलो आगे चलते रहो आनंद भाई, थोड़ा आगे चलो। जैसे तैसे करके इस ट्रेन में हम लोग चढ़ तो जाते हैं, लेकिन इस ट्रेन के अंदर काफ़ी भीड़ है, इसी भीड़ का हिस्सा बन के हम भी अपने लक्ष्य के लिए निकल पड़ते हैं। भाई अंदर आते ही काफ़ी हद तक ट्रेन खाली हो जाती है। दो 3 स्टेशन के बाद ही विरार स्टेशन भी आ जाएगा और ट्रेन बहुत ही खाली है। 15 से 20 मिनट का वेट करने के बाद फाइनली विरार स्टेशन आ गया और फटाफट इसी भीड़ से हम लोग निकल पड़ते हैं विरार स्टेशन। विरार स्टेशन उतरते ही पिकअप ड्रॉप के लिए रिक्शे वाले भाई साहब लोग भी आ जाते हैं और हम लोग निकल पड़ते हैं वेस्ट में। वहाँ जाते ही रिक्शे वाले भाई साहब हम लोग का वेट भी करते हैं। इसी बीच लगती है जोरों से प्यास, इसके लिए मैं पास के दुकान पर चल जाता हूँ पानी लेने के लिए, और पानी का एक बोतल ले लेता हूँ, और उसे लेने के बाद मैं तुरंत ही रिक्शा पकड़ने के लिए पहुँच जाता हूँ।
सभी लोग रिक्शे में बैठने की तैयारी भी शुरू कर देते हैं जॉयलैंड वाटर पार्क जाने के लिए। थोड़ा स्लाइड कम रहे फाइनली दोस्तों हमारी रिक्शा निकल पड़ी जॉयलैंड वाटर पार्क जाने के लिए। अंकल का कहना है कि रिसोर्ट अभी हाल में ही नया बना है, उसमें झूले वूले सब बहुत ही मस्त है, लेकिन अभी उसका काम भी चालू है और ये रिसोर्ट के बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग जॉयलैंड वाटर पार्क के लिए निकल पड़ते हैं। फाइनली इतनी समस्याओं का सामना करने के बाद जॉयलैंड वाटर पार्क हम लोग पहुँच ही जाते हैं। और चलिए आपको दिखाता हूँ ये जॉयलैंड वाटर पार्क आखिर में सामने से कैसा दिखाई देता है। सभी लोग काफ़ी खुश है और अभी अंदर जाके देखना है कि आखिर में रिसोर्ट कैसा है। फिलहाल टिकट को दिखा लेते हैं और वहाँ से लॉकर का चाबी भी ले लेते हैं और फिर हम सभी लोग निकल पड़ेंगे रिसोर्ट के अंदर। उससे पहले नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद ही आगे का कार्यक्रम होगा। होटल नहीं बाबू निकाल। रिसोर्ट पे पहुँचते ही हम सभी लोग मस्ती मजाक करना चालू कर देते हैं और फ़ोटो खिंचाना शुरू कर देते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन है, इसी दिन को अच्छा करने के लिए हम लोग निकल पड़ते हैं अब रिसोर्ट के तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आ चुका हूँ फिर से एक नए सफ़र और एक नए ब्लॉग के साथ। मैं आया हूँ जॉयलैंड वाटर पार्क जो कि विरार में है और मैं आपको इसके बारे में सब बताऊँगा कैसा है क्या नज़ारा है और आप वीडियो में बने रहिए। चलिए चलते आइए देखते हैं। दोस्तों जॉयलैंड वाटर पार्क में आ चुका हूं और ये है उसका वेव पूल, ये बच्चे लोग के लिए, इसमें बच्चे लोग नहाने के लिए और बड़े लोग के लिए उस साइड है। मैं अभी हम लोग टिकट ले रहे हैं, टिकट चेक कराने के बाद हम लोग तुरंत ही आपको बता दूंगा मैं कैसे क्या है यहां पे कैसे पहुंचने का। वीडियो के एंड तक बने रही है। देखिए वेव पूल उधर पर है, अभी अंदर जाके हम लोग। ये रिसोर्ट में पानी के अंदर जाने के लिए जो पट्टी की आवश्यकता रहती ज़रूरी रहता है वो पट्टी सुबह लेके आ जाता है, उसी को पहनना है और पहन के रिसोर्ट में निकल पड़ना है क्योंकि ये कंपलसरी है उसे पहनना। नहीं टाइट नहीं, जैसे चिपक रहा था चिपका दूँ। हाँ टाइट ही बन, टाइट बनानी तो निकल जाएगा। तो क्या ना हुए कि लॉकर ना ना लॉकर अभी हम सभी लोग जा रहे हैं पहले नाश्ता करने के लिए और नाश्ते का काउंटर लगा है उस तरफ और उधर उधर जाके नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद ही कपड़े को चेंज करेंगे। ये है नाश्ता करने का पास, इसको बिना दिखाए नाश्ता मिलेगा ही नहीं, ये हर जगह का रूल रेगुलेशन रहता है। तो इस पास को लेके हम लोग सामने वाले अंकल को दे देते हैं और वहाँ से हम लोग नाश्ता लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या है। फाइनली दोस्तों सब काम हो गया है, नाश्ते में है पाव भाजी और पाव भाजी का स्वाद भी बहुत ही बेस्ट लग रहा है। मैं इतने सारे रिसोर्ट गया लेकिन खाना कहीं ढंग का नहीं मिला। इधर देखते हैं इस खाने का टेस्ट कैसा है। इस पाव भाजी का टेस्ट बहुत ही खूबसूरत है, इसीलिए मैं 2 से 3 बार पाव भाजी लेता हूँ, उसे खाने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं। फाइनली दोस्तों ये है लॉकर, खाना खाने के बाद हम लोग सीधे लॉकर की तरफ आ जाते हैं क्योंकि हम लोगों को पूल में जाने की बहुत ही घाई है। लॉकर में अपना सारा सामान रख देते हैं और वो फाइनली इस पूरे सामान को रख के लॉकर को लॉक भी कर दिया जाता है। इस लॉकर इतने छोटे लॉकर में बहुत सारा सामान आ जाता है, ये अच्छी बात है। कपड़ा यही पहन के ना होगे
नहीं टी शर्ट की जगह वो। मैं फटाफट अपने कपड़े को चेंज करना चालू कर देता हूँ और नायलॉन के टी शर्ट और ट्रैक पहन लेता हूँ। अब जब भी आए तो नायलॉन का ही सामान लेके आए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। वो लॉकर काफ़ी दूर होने की वजह से उसको हम लोग हटा देते हैं और 42 नंबर लॉकर ले लेते हैं। इसी में सारे कपड़े को रख के उसे लॉक कर देते हैं और लॉक करने के बाद निकल पड़ते हैं नहाने के लिए। जॉयलैंड वाटर पार्क में आने के लिए आपको सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन विरार आना पड़ेगा और वहां से आपको पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है। जॉयलैंड रिसोर्ट में आपको अलग अलग स्लाइड और अलग अलग प्रकार के वेव पूल मिलेंगे और वहाँ पे आपको रेन डांस का भी मज़ा ले सकते हैं आप। शुभम फटाफट चढ़ो फटाफट, आजा जल्दी आ, मैं उधर खड़ा हूँ। हाँ आजा जल्दी आ, देख वीडियो बना रहा हूँ, आजा। हाँ इधर से आ। हाँ देख अभी आ जल्दी, अरे कब से आ रहा है। हाँ आजा। हाँ जल्दी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आ चुका हूँ वाटरलैंड वाटर पार्क में। बहुत ही मज़ा आ रहा है इधर से, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे कोई नहीं है, हम लोग ये, मैं हूँ, मेरा भाई है, हम लोग सब लोग आए यहाँ पे नहाने के लिए। सुबह मिल रहा हो, कितना मज़ा आ रहा है वाटर पार्क में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मज़ा आ गया इस रिसोर्ट में। हाँ सुबह, हाँ बहुत मज़ा आ गया। चलो ये वाले राइड पे जो, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए चल के आइए दूसरे भी। गर्मियों में लोग अक्सर रिसोर्ट जाते हैं और फैमिली के साथ, और इस गर्मियों में रिसोर्ट जाने का मज़ा ही कुछ और रहता है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के और नए नए रिसोर्ट भी बने हैं, इसीलिए लोग अपने फैमिली के साथ गर्मी में अक्सर आते हैं। बैठू। गर्मी में रिसोर्ट का पानी भी अंदर से काफ़ी गर्म हो जा रहा है और काफ़ी हीट मार रहा है, लेकिन कुछ भी बोलो, गर्मी में रिसोर्ट जाने का मज़ा ही कुछ और है, बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग के घर के यहाँ से करीबन, ये विरार स्टेशन है तो करीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है। चलिए मैं आपको रिसोर्ट के अंदर के पूरे स्लाइड दिखाता हूँ। उस साइड आपको वो साइड आपको वेव पूल मिल जाएगा और वो साइड वो चटाई, वो वेव पूल का जगह है वो। हाँ, और इस साइड ये पूरा चटाई वाला स्लाइड है, चटाई वाला तो इस साइड है। ये भी चालू नहीं हुआ, शाम को चालू होगा, उसमें भी जा सकते। अभी तो शुरुआत है, लोग अभी आए नहीं, धीरे धीरे अभी सुबह का समय है, लोग धीरे धीरे आएंगे। चटाई वाला तो शाम को ही कहीं भी चालू होता है और थोड़े बहुत लोग हैं। रिसोर्ट का पानी भी काफ़ी साफ है और रिसोर्ट में कहीं भी आपको कचरा देखने नहीं मिलेगा। इस रिसोर्ट में आपको बहुत ही साफ सफाई का काफ़ी ध्यान दिया गया है, इसलिए इस रिसोर्ट में काफ़ी अच्छा भी लग रहा है और बहुत ही बढ़िया महसूस हो रहा है। वीडियो बनाने के लिए फ़ोन पे काफ़ी बार बार पानी चले जा रहा है, इसके लिए मैं रुमाल लेने के लिए आ जाता हूँ, क्योंकि आईफोन तो है नहीं, थोड़ा बहुत पानी जाता है, तकलीफ़ हो जाता है, तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ रुमाल लेने। और रुमाल लेने के बाद सीधा हम लोग फिर से पूल के अंदर जाएंगे और फिर से वही इन्जॉयमेंट चालू हो जाएगा। आगे वीडियो भी बनाना चालू कर देंगे। चलो फाइनली रुमाल मिल गया है, अब चलते हैं पूल के अंदर। सभी लोग अब साथ में जाएंगे पूल के अंदर, क्योंकि
नहाने के बाद वही करीबन 2 बजे तक ये लंच मिलेगा, खाना खाने का समय हो जाएगा 2 बजे तक, और 2 बजे के बाद फिर से पूल में आना पड़ेगा। तो अभी जो समय खाना खाने के पहले जो नहाने का समय है, तो हम सभी लोग निकल पड़ते हैं नहाने के लिए अच्छी तरीके से। अब काफ़ी लोग भी आ चुके हैं, क्योंकि इसके पहले जो नाश्ते का समय था तो सभी लोग नाश्ता कर लेते, अभी सब नाश्ता कर चुके हैं, तो अभी नहाने का समय हो चुका है। सीधे ठीक है जाओ।
शुभम जा रहा है अकेले स्लाइड पे, हम लोग यहाँ से उसको देख रहे हैं और वीडियो में उसको बनाने जा रहा हूँ। वो अकेले जा रहा है स्लाइड पे, देखते कैसे आता है वो, डरता है कि नहीं, चलो देखते। ये शुभम आ रहा है, शुभम आ रहा है, आगे आ गया, गिरा। ये डरा नहीं, डरा नहीं, बहुत अच्छी बात है। हाँ ये देखो, अभी दोबारा जाएगा ऐसा लग रहा है। शुभम दोबारा जाओ, शुभम काफ़ी समय हो गया, अभी सांस फूल रहा है मेरा, फिर भी पानी के अंदर ही हूँ, देखते हैं अभी कितने देर तक रह सकता हूँ अंदर। बस अब निकल जाता हूँ। यहाँ पे सभी लोग एकजुट होके और मिल के सभी लोग कितने अच्छे से डांस कर रहे हैं, सभी अपने टेंशन को भूल के यहाँ पे आके बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों वेव पूल चालू हो गया, तो चलते हैं वेव पूल में और वहाँ पर जाकर मस्ती करा जाएगा। वेव पूल में चलिए, वेव पूल चालू हो चुका है और वेव पूल के अंदर की लहर है वो बहुत ही बेकार लहर है। अगर तैरने ना आए तो अंदर में जाओ, भी काफ़ी अच्छा है बाबू, अंदर मत जाना, वेव पूल चालू है, अंदर मत जाना। पानी पीने से आदमी बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है, इसके लिए वेव पूल से काफ़ी सावधान रहना चाहिए। Thank you.
वेव पुल के बाहर आ जाता हूँ क्योंकि पानी की लहर बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है और बहुत बढ़ चुकी है। अब मैं फ़ोन भी लिया हूँ, फ़ोन भीग जाएगा तो फ़ोन ख़राब हो जाएगा। फ़ोन को रखने के लिए मैं पानी के बाहर आ चुका हूँ, अभी से जो है कि फ़ोन को रख दूँगा फिर बिल्कुल फोन करूँगा। चलिए दोस्तों चलते हैं खाना खाने, क्योंकि खाना खाने का भी समय हो चुका है और पहुंच भी जाते हैं हम लोग। और कूपन देने के बाद फटाफट अपना प्लेट लेके निकल पड़ते हैं और देखते हैं खाने में क्या है। वेज का काउंटर इस तरफ है और नॉन वेज का काउंटर उस तरफ है, तो मैं तो सिंपल सी बात है वेज खाऊँगा और काफ़ी वेज नॉन वेज खाने वाले भी है, तो वेज में देखिए देखते क्या है। वेज में पनीर है, छोले है और बहुत कुछ है, ले कर मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप सभी लोग ने देखा होगा खाने में ये पनीर है, छोले है, सलाद है और बहुत सारे राइस है, चावल है, अलग अलग प्रकार के खाने हैं और खाने की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। बहुत सारे रिसोर्ट में अगर आप जाते हो, पैसे भी देते हो, फिर भी आपको अच्छे खाने नहीं मिलेंगे और यहाँ पे नाश्ता भी अच्छा मिला और खाना भी अच्छा मिला, इससे साफ मालूम पड़ता है इस रिसोर्ट की पहचान बहुत ही अच्छी है। पहले से हम लोग पूल के अंदर तैर के मजाक मस्ती करके काफ़ी थक चुके हैं और ये खाना इतना खूबसूरत और इतना टेस्टी, इसे खा के बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके लिए हम अच्छे से खा के मैं तो और ले लेता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आ चुका हूँ फिर से एक नए ब्लॉग और नए सफ़र के साथ। मैं आया हूँ वाटर पार्क जो कि है विरार में। विरार से हम लोगों ने पहले मतलब कि ट्रेन मलाड से ट्रेन पकड़े और ट्रेन पकड़ के विरार और विरार से रिक्शा करके हम आ चुके हैं वाटर पार्क। वाटर पार्क का नाम बहुत ही अच्छा है, मैं आपको वीडियो के लास्ट तक बताऊँगा। ये बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला है, आप वीडियो के साथ बने रहिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा पूरी वीडियो। कितना खर्चा होने वाला है और हम लोग यहाँ पे कैसे आए, कितना रुपए लगा, सब आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो में आप बने रहिए, ठीक है। मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी अभी यहाँ पे नहा के आ रहा हूँ। वाटर पार्क का नाम है जॉयलैंड, यहाँ पे 4 पूल है और 12 स्लाइड्स है। और कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है इधर पे? तो हाँ मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। वेव पूल तो सबसे बेस्ट है। वेव पूल उधर है ना, वो साइड वेव पूल है, इस साइड ये बड़े लोग को नहाने के लिए और उस साइड जो है वो बच्चे लोग को नहाने के लिए, ठीक है। और वो बड़ा वाला स्लाइड अभी फिलहाल मेरे ख्याल से बंद है, अभी तक उसका मिला नहीं ना, वो बंद है। यही स्लाइड है जो इसमें हम लोग खेल सकते हैं, अभी ये खेल सकते हैं और वो बच्चे लोग का स्लाइड है उसमें। और ये वेव पूल है, देखिए ना, हाँ पूल बेस्ट है। ये वेव पूल है, बहुत ही अच्छा है। आइए नज़दीक से दिखाता हूँ वेव पूल, बहुत ही सुंदर लगा वेव पूल मेरे को। जब चालू होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, ये गहरा बहुत, जब उसकी लहर आती है तो बहुत बहुत ही शानदार, बहुत ही मस्त वेव पूल है पूरा।
और उधर से वो स्लाइड तो पूरा बंद है और खाने का कैंटीन उधर है। अभी हम लोग का नाश्ता भी नाश्ता बोल रहा हूँ, डिनर भी हो चुका है, खाना मतलब हो चुका है अपना खा के। अब सीधा रिटर्न चालू होगा तो हम लोग चलेंगे। नाश्ता खाना भी बहुत अच्छा था। हाँ कूद जाओ पानी में जाके, कूद जाओ, कूदो, मैं भी कूदता हूँ। हाँ फोन के साथ पता है। हाँ तो क्या है पता है ना कब सही है। अरे गिल्ला कर दिया सॉन्ग, वो तो मैंने वीडियो बनाया नहीं। फाइनली दोस्तों चटाई वाला स्लाइड भी चालू हो चुका है। हम लोग को लगा कि ये स्लाइड चालू ही नहीं होगा, लेकिन इसको थोड़ा लेट चालू किए और ये स्लाइड भी बहुत अच्छा लग रहा है। चटाई वाला देखो ना कितना मज़ा आ रहा है, और फुल इंजॉयमेंट है इस पार्क में। हर एक स्लाइड बहुत ही खूबसूरत है, और उसको जैसे कि बहुत सारे स्लाइड में लगता भी, इसमें ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। स्लाइड बहुत ही अच्छा बनाया है, और चटाई वाला भी मेरे को बहुत फेवरेट स्लाइड है। जाएगा सुबह दोबारा जाएगा। जाओगे? मजा आया? मजा आया। मेरे को तो बड़ा डर लगता है। अरे कुछ डर नहीं। अरे सुबह ये ऊपर उड़ता है, हवा में उड़ गया हूँ। उसका जो पोजीशन हो भाई 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 भाई। सुबह में चटाई ले लिया है और फिर से एक बार स्लाइड पे जाने का कोशिश कर रहा है। मेरे को तो इस स्लाइड में बहुत डर लगता है, इस चटाई वाले में, लेकिन सुबह डर रहा नहीं है। एक बार जा के आ चुका है और दूसरी बार भी जा रहा है। चलिए देखते हैं। फाइनली दोस्तों नहा के हो गया वेव पूल और सारी स्लाइड बंद हो चुकी है। अब तैयार भी हो चुके हैं हम लोग। अब तैयार होके बस वही अब ऑटो पकड़ के निकलना है। पिकअप ऑफ एंड ड्रॉप इधर पे फ्री है, उसको लेके अब निकलना है। वही रिक्शा लेके तैयार हो जाएंगे शायद। नहीं आने जाने का 100 रुपये एक्स्ट्रा लगा है, तो अभी एक जगह बैठते हैं फ़िलहाल, पानी वानी पीते हैं, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। काफ़ी सभी लोग निकल ही चुके हैं,
हम लोग और कुछ लोग बचे हैं। रिसोर्ट बन चुका है, अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। पूरा रिसोर्ट बंद हो गया है। स्प्राइट स्प्राइट पीने के बाद अभी हम लोग घर पे जाने के लिए एकदम तैयार हो चुके हैं। हमारे साथ काफ़ी लोग भी है जो कि सब जाने के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि सर सारा स्लाइड हर चीज़ बंद हो गया है, रिसोर्ट पूरा बंद हो चुका है। और यहाँ से हम लोग घर पे जाने के लिए अब रवाना हो जाएंगे। लेकिन घर पे जाने से पहले बाजू में ही एक बीच है और वो बीच पर पहले जाएँगे हम लोग, और वो बीच से 5-10 मिनट रुक के फिर वहाँ से हम लोग निकल जाएँगे घर के लिए। तो चलिए चलते हैं बीच पे, हम लोग निकल पड़े बीच पे जाने के लिए, क्योंकि बीच बाजू में ही है, यहाँ 5 मिनट की दूरी पे है। रिक्शा तो यहाँ से ही रिटर्न हम लोग को आना पड़ेगा रिक्शा लेने के लिए, लेकिन ये 5 मिनट की दूरी पे टर्निंग पे ही है बीच, तो बीच के पास चलते हैं। चलिए इस बीच का नाम तो नहीं मालूम क्या है, लेकिन मेरे ख्याल से विरार बीच होगा, क्योंकि इधर पे ये रिसोर्ट इतने सारे हैं और इधर बीच है, तो लोग इधर पे आते हैं। और बीच तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब इतना मौज मस्ती मजाक मस्ती करने के बाद अभी हम लोग चलिए निकल पड़ते हैं अभी रिक्शा पकड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ से हम लोग को ट्रेन भी पकड़ना है। और ट्रेन का तो सुबह आप लोग को पता है कि कितना लफड़ा चल रहा था। अब ट्रेन पकड़ेंगे, ट्रेन पकड़ के हम लोग वहाँ से निकल पड़ेंगे घर के लिए। दोबारा हम लोग आ जाते हैं रिसोर्ट के अंदर, क्योंकि यहीं से रिक्शा का ड्रॉप है, पिकअप ड्रॉप, रिक्शा का ड्रॉप इधर ही इधर से ही है। तो हम लोग आते हैं और चाय पीने के काम चालू कर देते हैं, और ग्लास उठा के देखते हैं तो चाय ख़त्म हो गया है। तो फाइनली थोड़े देर तक हम लोग बैठते हैं, और रिक्शा के आने के बाद हम लोग तुरंत ही स्टेशन के लिए रवाना हो जाते हैं।